घड़ी में बजे हैं 12:30 और मैं कर रही हूँ अभी मूवी का रिव्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आई हूँ आप लोगों के साथ एक मूवी का रिव्यू लेकर करना चाहती हूँ जो कि मैंने रिसेंटली देखा है और रिसेंटली में ही ये मूवी रिलीज हुई है। मूवी को लेके शोर शराबा कितना हुआ पता नहीं, लेकिन मूवी का नाम है चुप। जी हाँ, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं चुप मूवी को लेके बात करने वाली हूँ। वो आर बाल्की की मूवी है। आर बाल्की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक फेमस नेम। आर बाल्की के बारे में नहीं पता उनको, मैं बता दूं आर बाल्की का पूरा नाम है आल बालकृष्ण की। इनका इंग्लिश विंग्लिश, चीनी कम जैसी ऐसी मूवीज जिन्होंने बनाई, हमने उस मूवीज को बहुत सराहा भी। का नाम है चुप। चलिए बात करते हैं चुप के बारे में। क्राइम थ्रिलर पर जिन लोगों को थ्रिलर मूवीज बहुत अच्छी लगती है इन लोगों के लिए मूवी है, लेकिन मूवी थोड़ी सी स्लो है, लेकिन आर्ट फिल्म जैसी स्लो नहीं है जैसी आर्ट फिल्म जनरली। मैंने आप लोगों को बताया कि ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर है, तो क्राइम थ्रिलर के ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी है, लेकिन ये जो मूवी है ना उसकी जो स्टोरी और उसकी जो स्क्रीन प्ले है वो थोड़ी सी हटके है। जो फिल्म का जो पहला हिस्सा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरे हिस्से में मुझे पर्सनली लगा कि फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है और जो एक्सपेक्टेशंस पहले हिस्से से होनी चाहिए थी, मतलब जैसा उसको होना चाहिए था उस लेवल से वो कहीं भटक जाता है और बहुत ही जल्दी वो रैप अप कर लेता है फिल्म की जो एंडिंग है, ये मुझे ओवरऑल लगी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। पहले इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, फिर स्टोरी के बारे में बात करते हैं। क्या है, राकेश झुनझुनवाला, जयंती नलगरा वो प्रोडक्शन के अंडर पे मेन कैरेक्टर के रूप में दिखेंगे। सनी देओल बहुत दिनों बाद इस मूवी में वो कमबैक कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं इस मूवी पे वो इस मूवी में का रोल कर रहे हैं। दुलकर सलमान जो कि मेन कैरेक्टर में है और श्रेया धन्वंतरी जो कि लीड कैरेक्टर में, जो फीमेल कैरेक्टर है लीड, उसमें आपको श्रेया धन्वंतरी दिखेंगे। और इसमें बहुत बढ़िया कमबैक और एक रिनाउन फेस का हुआ है, वो है पूजा भट्ट। कोई उतना स्क्रीन स्पेस है नहीं, बहुत ही छोटा उनका पोर्शन है। अगर उनके कैरेक्टर को बहुत ही सेकेंड हाफ में, जैसा मैंने पहले बताया कि सेकेंड हाफ मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही जल्दी जल्दी में सेकेंड हाफ को रैप अप कर दिया गया है, तो सेकेंड हाफ में पूजा भट्ट के कैरेक्टर जो था उसको अगर थोड़ा सा और खींचा जाता, एलैबोरेट किया जाता, तो शायद जो सेकेंड हाफ है ना तो वो फर्स्ट हाफ की तरह ही बहुत इंटरेस्टिंग। बाल्की की खुद की आर बाल्की की हर एक मूवी का आप देखेंगे जो जो मेन मुद्दा होता है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही सोसाइटी ओरिएंटेड होता है। और इस मूवी में भी वही है, जो मुद्दा है वो बहुत ही सोसाइटी ओरिएंटेड है, बहुत सोचने वाली बात है इस चीज़ को लेकर। पे रखा है वो है आर बाल्की, राजा सेन और ऋषि। सिनेमाटोग्राफी जिन्होंने संभाला है, मतलब कैमरे के पीछे जो पूरे फिल्म को दर्शाया है उन्होंने, वो है विशाल सिन्हा। मैंने इतने ये सारे बैकग्राउंड के नाम मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है क्योंकि हमेशा हम ना मूवी देखते हैं और मूवी के पीछे जो इतना अच्छा सुंदर जो पिक्चर हमें दिखाई देता है उनके पीछे जितने लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, इसीलिए मैंने इस वीडियो पे उन लोगों का नाम भी मेंशन किया। इस ये तो कुछ चंद नाम थे, लेकिन बहुत सारे लोग, हज़ार हज़ार लोग एक मूवी को बनाने के पीछे खड़े रहते हैं जिनको शायद जिनको रिकॉग्नाइजेशन भी नहीं मिलती है, जिनके बारे में हमें पता भी तक नहीं होता है। कहानी स्टार्ट होती है मुंबई शहर में और यहाँ पे एक सीरियल किलिंग हो रही है। अब सीरियल किलिंग का हमें पता है कि सीरियल किलिंग का हमेशा एक पैटर्न होता है, इस स्टोरी में भी सीरियल किलिंग का पैटर्न है, लेकिन वो सीरियल किलर कोई आम जनता को नहीं मारता, वो फिल्म क्रिटिक को मारता है। इसको क्यों मारता है उसके पीछे भी रीज़न है। जब मूवी जितनी जितनी आगे बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि जो फिल्म क्रिटिक कम क्रिटिसाइज करते हैं उनको मारते हैं जो फिल्म। ये जो सीरियल किलर है वो एकदम बायस नहीं है, ऐसा नहीं है कि जिन फिल्म क्रिटिक जो है जो कम नंबर देता है, कम मार्क्स देते हैं उनको ही मारते हैं। वो ऐसे फिल्म क्रिटिक्स को भी टारगेट करते हैं जो गंदी फिल्म होने की वजह से भी 5 स्टार 4 स्टार ऐसे देते हैं और लोगों को भटकाते हैं, तो वो उनको भी मारते हैं। तो ऐसे में मर्डर्स बहुत इंटरेस्टिंग वेज में होते हैं, जैसे जितने मार्क्स फिल्म्स को दिए गए हैं उस बेसिस के ऊपर और फिल्म का जो पूरा रिव्यू जैसे लिखा गया है उस मुद्दे को ध्यान पे रखते हुए मर्डर्स होते हैं और ऐसे मर्डर्स होते जाते हैं। इवेंचुअली वो पुलिस के हाथ में आ जाता है एंड पुलिस सारी फिल्म क्रिटिक्स को रिक्वेस्ट करते हैं पहले कि वो और फिल्म्स के ऊपर रिव्यू ना दें। फिर धीरे धीरे ऐसा एक वक्त आता है जब फिल्म क्रिटिक्स खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, हमें अपनी जान प्यारी है और अब हम इसके बारे में फिल्म के रिव्यूज तो नहीं देंगे। तो फिल्म के दूसरे हिस्से में पता चलता है कि कैसे पुलिस को पता चलता है, कैसे वो कौन है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो सारे सवालों का जवाब आपको फिल्म के दूसरे हिस्से में। आपको बताया है कि फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है वो पहले हिस्से से बहुत ही वीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश की गई है। वो कुछ भी रीज़न हो सकता है इनके पास में ही होगा कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी टॉपिक के ऊपर एक थ्रिलर फिल्म बन रही थी उसको इतनी जल्दी रैप अप करने का क्या रीज़न था।
जो भी रीजन हो आपको ये फिल्म मजा आएगा, वन टाइम वॉच जरूर है। मतलब आप घर में अकेले बैठ के बोर हो रहे हैं, आप डेफिनेटली आपकी फेवरेट बेवरेज को उठाइए, इस मूवी के साथ एंजॉय कीजिए, अकेले अकेले बहुत मस्त लगेगी। और इस फिल्म का जो सबसे बड़ा मुझे जो अच्छा लगा है वो है इस फिल्म के बैकग्राउंड गाने, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी का जो रेफरेंस है ना वो गुरुदत्त के लाइफ के ऊपर भी थोड़ा सा है, कि गुरुदत्त की जो मूवी आई थी कागज़ के फूल जब वो रिलीज़ हुई थी तब उतना सराहा नहीं गया था, लेकिन आज हम इस जनरेशन आइकनिक मूवी हम मानते हैं। तो पूरे मूवी में आपको गुरुदत्त के गानों का झलक आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज़ किया गया है। और इतने टाइम बाद यू नो ओल्ड सॉन्ग्स को सुन के जो मन को खुशी मिलती है ना, इंस्ट्रूमेंटल धुन वो बजती है, वो जो गानों के धुन है वो आपके कानों को सेटिस्फाई ज़रूर करेंगे। मुझसे पूछेंगे कि ओवरऑल मैं इस मूवी को कोई कितने मार्क्स दूंगी, तो मैं कहूंगी कि नहीं, मैं इस मूवी को कोई मार्क्स नहीं देने वाली हूं, क्योंकि मैं कोई फिल्म क्रिटिक या फिल्म रिव्यू नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट अपना जो एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और इस मेरे चैनल पे आपको वही सारी चीज़ें को देखने को मिलेगा जो मैं पर्सनली एंजॉय करती हूँ, जैसे मैं कभी कभी मेकअप एंजॉय करती हूँ, स्टोरी टेलिंग एंजॉय करती हूँ, मैं कभी व्लॉग्स एंजॉय करती हूँ, ट्रैवल एंजॉय करती हूँ, खाना एंजॉय करती हूँ। सो उसी हिसाब से मैंने ये मूवी देखी। और भी मेरे लिस्ट में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो मैंने बहुत पहले देखी हुई है, शायद उस मूवीज़ को लेकर लोग बात नहीं करते हैं, उतने पॉपुलर नहीं है वो मूवी, उसी के ऊपर भी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी उसमें मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं देखने के लिए तो देखने के बाद ज़रूर अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर। इसको लेके अगर मैं बात करूँ तो सभी अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव है, और जैसा मैंने बताया कि अगर पूजा भट्ट के कैरेक्टर को थोड़ा सा और एलेबरेट करके लिखा जाता तो शायद उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता। तो ओवरऑल ये मूवी एक सैटरडे या संडे नाइट की मूवी है, आप जाके वॉचआउट कर सकते हैं। ये Zee5 में अभी अवेलेबल है, हालांकि ये तो थिएटर से अभी उतर गई है, वॉचलिस्ट में इसको ऐड कर लीजिए। और जब भी आप ये मूवी को वॉच कर ले उसके बाद मेरे चैनल पे इस वीडियो के नीचे आके कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह से मेरे चैनल से मूवी की सजेशंस आपको चाहिए होगा तो सब्सक्राइब और बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलती हूं मैं किसी अगले साथ, तब तक के लिए सब अच्छे से रहिए, बाय बाय। You melt the ice behind my stone cold.